हाय, गुड मॉर्निंग गाइस। हम आपके सामने कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, जो क्लास ट्वेल्थ में फर्स्ट लेसन एक पोयम है, 10+2 में यूपी बोर्ड के बुक में पोएट्री से कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ यानी एक सुखी जीवन का चरित्र या एक सुखी जीवन की विशेषताएं कह सकते हैं। कैरेक्टर्स का मतलब विशेषताएं होता है, कैरेक्टर्स नहीं, कैरेक्टर है, गुण भी कह सकते हैं। इसको रिटेन किया है सर हेनरी वोटन ने। ये पोएट है सर हेनरी वोटन, जो कि बहुत ही फेमस स्कॉलर है और 17वीं शताब्दी के एक फेमस रचनाकार है। ये बहुत अच्छी कविताएं लिखी, इन्होंने बहुत सारी अच्छी कविताएं लिखी हैं। इनका जन्म 1568 ईस्वी में और मृत्यु जो हुआ 1639 ईस्वी में हुआ। तो इन्होंने बहुत सारी अच्छी कविताएं लिखी हैं, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ हुआ, ऑन हिज मिस्ट्रेस हुआ, द क्वीन ऑफ भेमिया हुआ, यू मीनर ब्यूटीज ऑफ द नाइट। ये उनकी पोएट हैं, यानी ये उनकी पोएम है, कविता है, और उसमें से इन्होंने लिखा हुआ है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ यानी सुखी जीवन का गुण, सुखी जीवन का चरित्र क्या होता है, गुण क्या होता है। इसमें इन्होंने यही बताने की कोशिश की है। इसका जो सेंट्रल आइडिया होता है, हम केवल पहले हिंदी में बता देते हैं, उसके बाद आपको जब पोएम पढ़ेंगे तो उसको हम डिस्क्राइब करेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में। यहाँ पे कविता का केंद्रीय भाव यह कहता है कि इस कविता में कवि ऐसे मनुष्यों के गुणों के बारे में बताता है जो सचमुच में सुखी होता है। सुखी मनुष्य इसके सर हेनरी वोटन के अनुसार, यानी इसमें जो पोएट हैं कवि सर हेनरी वोटन के अनुसार यही कहते हैं कि मनुष्य वही होता है जो ईमानदार और सच्चा होता है। सुखी मनुष्य वही होता है जो ईमानदार और सच्चा होता है। ईमानदारी और सच्चाई उसके सबसे बड़े हथियार होते हैं। हम कह सकते हैं इंग्लिश में, इन दिस पोएम द पोएट टेल्स अबाउट द क्वालिटीज ऑफ अ मैन हु इज रियली हैप्पी। यानी इस कविता में कवि हमें बताता है, इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट टेल्स, यानी कवि कहता है, कवि बताता है अबाउट द क्वालिटीज ऑफ अ मैन, यानी एक व्यक्ति के उन गुणों को, हु इज रियली हैप्पी, जो वास्तव में सुखी रहता है। अ हैप्पी मैन इज वन, यानी एक सुखी व्यक्ति वही होता है हु इज ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल, जो ईमानदार और सच्चा होता है। जो व्यक्ति ईमानदार और सच्चा होता है वही सुखी व्यक्ति होता है। ऑनेस्टी एंड ट्रूथ आर हिज ग्रेटेस्ट वीपन्स, ईमानदारी और सच्चाई उसके सबसे बड़े हथियार होते हैं। यानी ऑनेस्टी एंड ट्रूथ आर हिज ग्रेटेस्ट वीपन्स, ईमानदारी और सच्चाई उसके सबसे बड़े हथियार होते हैं। ही इज नॉट अ स्लेव टू द डिजायर्स ऑफ अदर्स, वह दूसरों की इच्छाओं का दास नहीं होता है। यानी वह, हम कहते हैं, वह दूसरों की इच्छाओं का स्वामी नहीं होता है, गुलाम, सॉरी, स्लेव है। स्लेव का मतलब हम बोलेंगे गुलामी, यानी गुलाम नहीं होता है, गुलाम नहीं होता है। ही इज द मास्टर ऑफ हिज ओन माइंड एंड पर्सनालिटी, तो वह अपने मन और व्यक्तित्व का स्वामी होता है। एज ही कीप्स कंट्रोल ऑन हिज डिजायर्स, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ही इज द मास्टर ऑफ हिज ओन माइंड, यानी वह अपने मन का स्वामी होता है, एंड पर्सनालिटी और व्यक्तित्व का। एज ही कीप्स कंट्रोल ऑन हिज डिजायर्स, जो अपने इच्छाओं को कंट्रोल में रखता है, नियंत्रण में रखता है। ही इज फियरलेस एंड केयर फ्री, यानी ही वह निर्भीक होता है, वह निर्भीक होता है और चिंता मुक्त होता है। केयर फ्री का मतलब चिंता मुक्त होता है। ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, वह उसे मृत्यु से भय नहीं होता है। ही डज नॉट बदर अबाउट गेटिंग द लव ऑफ अ किंग, तो ही डज नॉट बदर अबाउट गेटिंग द लव ऑफ अ किंग, वह राजा या राजकुमार की कृपा पाने के लिए चिंतित भी नहीं रहता है। आर अ प्रिंस आइदर, यानी वह किसी राजा की कृपा पाने के लिए, बोधर का मतलब यहाँ पे कृपा पाना होता है, तो सॉरी गेटिंग द लव, यानी लव का मतलब यहाँ पे कृपा पाना या प्रेम पाना। तो ही डज नॉट बोधर अबाउट गेटिंग द लव ऑफ अ किंग, वह राजा की कृपा पाने का, राजा के प्रेम पाने का चिंतित भी नहीं रहता है। आर अ प्रिंस आइदर या राजकुमार का। ही डज नॉट केयर अबाउट द क्रिटिसिज्म ऑफ अदर पीपल, चाहे सुख हो या दुख, सफलता या विफलता,
का समय हो वह हमेशा क्या हो, शांत रहे। यानी ही डज नॉट केयर अबाउट द क्रिटिसिज्म ऑफ द अदर पीपल, ही ऑलवेज रिमेन्स काम एंड क्वाइट वेदर इट इज द टाइम ऑफ जॉय और सॉरो, चाहे दुख का समय हो या फिर सुख का समय हो वह हमेशा क्या रहता है, शांत रहता है। दुख का समय हो या सुख का समय, वेदर इट इज टाइम ऑफ जॉय और सॉरो, सक्सेस और फेल्यूर, सफलता या विफलता, ही रिमेंस बैलेंस्ड, वह हमेशा वह संतुलित रहता है। ही रिमेंस बैलेंस्ड यानी वह संतुलित होता है एंड हैज सेल्फ कंट्रोल और आत्मनियंत्रण रखता है। ही हार्म्स नोबॉडी, वह किसी को क्षति नहीं पहुंचाता है एंड डज व्हाट ही थिंक्स प्रॉपर, और जो वह उचित समझता है वही करता है। तो हम चलते हैं इस, ये हमने आपको सेंट्रल आइडिया डिफाइन किया, अब हम चलते हैं कविता पे। तो स्टेंजा हमारा फर्स्ट स्टेंजा पढ़ेंगे, हाउ हैप्पी इज द बॉर्न आर टाट, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टाट दैट शवत नॉट अनदर्स विल, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। यानी जन्म या शिक्षा, बर्न मीन्स जन्म, टॉट का मतलब यहाँ पे शिक्षा कहेंगे। तो जन्म या शिक्षा प्राप्त करके वह मनुष्य कितना सुखी रहता है, जन्म या शिक्षा प्राप्त करके वह मनुष्य कितना सुखी रहता है जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, दैट सर्व्स नॉट अनदर्स विल, यानी जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है वह, यानी जन्म या शिक्षा प्राप्त करके वह मनुष्य कितना सुखी रहता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड इन सिंपल ट्रूथ इज अटमोस्ट स्किल, यानी ईमानदारी का विचार ही जो होता है वो उसका कवच होता है और सरल हृदय की सच्चाई ही उसका उसकी श्रेष्ठतम योग्यता है। अटमोस्ट स्किल, अटमोस्ट स्किल का मतलब सच्ची योग्यता, श्रेष्ठतम योग्यता, अटमोस्ट स्किल मतलब श्रेष्ठतम योग्यता, और सिंपल ट्रूथ का मतलब साधारण सत्य हम कह सकते हैं, सच्चाई कह सकते हैं, ठीक। यानी हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, यानी जो व्यक्ति, वही व्यक्ति सुखी रहता है जो जन्म लेता है और शिक्षा प्राप्त करता है, वो कितना सुखी रहता है जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। ईमानदारी का जो विचार है वो ही उसका कवच है। ऑनेस्ट थॉट, हिज ऑनेस्ट थॉट यानी उसके जो ईमानदारी भरे विचार हैं वही हुज आर्मर इज उसके क्या है, कवच है। एंड सिंपल ट्रूथ इज अटमोस्ट स्किल, और सरल हृदय की सच्चाई, एंड सिंपल ट्रूथ का मतलब सरल सच्चाई, यानी जो सरल हृदय की जो सच्चाई है वही उसकी श्रेष्ठतम क्या है, योग्यता है। सेकेंड स्टेंजा देखेंगे हम, तो सेकेंड स्टेंजा में देखेंगे हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ untied onto the world wide care with care of princely love or vulgar breath, तो whose passions not his masters are, यानी सचमुच सुखी व्यक्ति अपनी तीव्र इच्छाओं का दास नहीं होता है, अर्थात वह उनको नियंत्रण में रखता है, अर्थात वह उनके नियंत्रण में नहीं रहता है। जब सचमुच जो सुखी व्यक्ति होता है वो अपनी तीव्र इच्छाओं का दास नहीं होता है, कुछ पैसेंस यानी जो तीव्र इच्छाएं होती हैं, नॉट हिज मास्टर्स, उसका दास नहीं होता, उसका मालिक नहीं होता है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, और उसकी आत्मा जो है शरीर की मृत्यु के लिए तैयार रहती है। हुज सोल यानी उसकी आत्मा इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, मृत्यु के लिए फिर भी तैयार रहती है। अनटिल अनटू द वर्ल्ड वाइड केयर, वह संसार की चिंताओं से मुक्त रहता है, वह व्यक्ति संसार की चिंताओं से मुक्त रहता है। वह न तो राजा की कृपा का आकांक्षी होता है, और प्रिंसली लव यानी वह न तो राजा की कृपा का आकांक्षी होता है और न ही साधारण लोगों की आलोचनाओं की परवाह करता है। वल्गर वृत्त, वल्गर वृत्त का मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो साधारण लोग होते हैं जो आलोचना करते हैं उनकी परवाह करता है, यानी न तो वो राजकुमार की कृपा का या राजा का
राजा के प्रेम का आकांक्षी होता है और ना ही साधारण लोगों की व आलोचनाओं की परवाह करता है। तो क्लियर गाइस, आपको स्पष्ट रूप से अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको एक एक दिन हर एक चैप्टर्स आपको वीडियोस मिलते रहें। आज हमने क्लास 12th का पोएट्री शेयर किया। थैंक यू गाइस।